विप्र सेना के स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विप्र सेना संभाग मीडिया प्रभारी राजेश भट्ट ने बताया कि 2 दिवसीय आयोजन के निमित्त आज उदयपुर में प्रथम दिवस पर गौ सेवा माता पूजन का आयोजन किया गया। विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उदयपुर द्वारा भी विप्र सेना का स्थापना दिवस 19 जुलाई को मनाया जा रहा है। विप्र सेना प्रगतिशील ब्राह्मण संगठन लगातार समाज हित और सनातन संस्कृति के हित का कार्य कर रही है। वहीं प्रदेश के महामंत्री गोविंद दीक्षित ने कहा कि आज राष्ट्र मंगल जन मंगल कल्याण निमित्त गौ माता का पूजन किया गया और सनातन संस्कृति के प्रति युवाओं का जुड़ाव बड़े स्तर के लिए यह कार्यक्रम सतत किए जाएंगे। सर जिला अध्यक्ष प्रदीप सिमाली ने बताया कि वर्ष भर में नए नए कार्यक्रम करके समाज के प्रति संगठित कर समाज की उन्नति की ओर हमारा युवा अग्रसित हो और हमारी संस्कृति को समझे और अपनाए, इस निमित्त यह कार्यक्रम रखे गए हैं। नमस्कार, विप्र सेना का हमारा स्थापना दिवस 19 जुलाई को है। उसके तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम विप्र सेना की तरफ से किया जा रहा है। उसमें आज हमने गौ माता पूजन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे विप्र सेना के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर गौ माता की पूजा करी है और गौ माता के समक्ष इस बात का प्रण लिया है कि जहाँ कहीं भी हम गौ माता किसी बुरे हालात में अगर हमें मिले, हम उस गौ माता की पूरी सेवा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कल 19 जुलाई को वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और वृक्षारोपण, पौधा रोपने के बाद हम उस पौधे की इस तरह से देखभाल करें जैसे अपने बच्चे की देखभाल करते हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय। श्री राम, जय जय परशुराम। विप्र सेना सर जिला के तत्वाधान में आज राष्ट्र मंगल जन मंगल कल्याण निमित्त और विप्र सेना स्थापना दिवस के चलते हुए गौ माता का पूजन किया गया। राष्ट्र मंगल जन मंगल के कल्याण की कामना की गई। आज यह भव्य कार्यक्रम की 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी शर्मा, महामंत्री गोविंद जी दीक्षित के सानिध्य में इन 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें आज गौ माता का पूजन किया गया है। कल एक पौधा माँ के नाम वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही जो भी वृक्ष फलदार लगाए जाएंगे उसकी जिम्मेदारी परिवार की और उनकी रहेगी। जहाँ पर ये पौधा लगाया जाएगा, शहर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी विप्र सेना के द्वारा किया जाएगा। जय श्री राम।